बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के शो लॉकअप को आखिर कौन भूल सकता है। शो में सारे कंटेस्टेंट्स काफी कंट्रोवर्शियल थे। सभी ने अपनी जुबान के वार से अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर दी थी। जीतने की होड़ में लगे हुए सारे कंटेस्टेंट्स कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। हालांकि शो खत्म हो चुका है और शो को उसका विनर भी मिल चुका है, लेकिन हाल ही में एक सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप सामने आया है जिसमें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है मुनव्वर फारूकी का वो जोक जो उन्होंने पूनम पांडे को लेकर शो में मारा था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। वेल, बात करें अगर मुनव्वर फारूकी की, तो मुनव्वर फारूकी शो में कई बार कंटेस्टेंट से मजाक करते हुए नजर आते थे, लेकिन इस बीच उन्होंने पूनम पांडे के लिए एक अडल्ट जोक मारा जो फिलहाल अभी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वेल, पूनम पांडे से मजाक करते हुए मुनव्वर फारूकी ने उन पर एक जोक मारा था। आपको बता दें कि क्लिप में मुनव्वर ने पूनम पांडे को लेकर जो कुछ कहा था वो एक मजाक के तौर पर कहा था, जिस पर खुद पूनम भी हंस रही थी। इसके साथ ही वहां मौजूद किसी की भी हंसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। दरअसल सभी की मजाक बनाने वाले मुनव्वर फारूकी ने पूनम पांडे के बारे में बात करते हुए कहा, मेरी बहन पूनम, पूनम के लिए एक बार जोरदार तालियां। पूनम लॉकअप का पूरा सीजन दो चीजों का वजन उठाकर चलती रही, वो है गुस्सा और दूसरा है खूबसूरती। आपको बता दें कि ये क्लिप फिनाले से पहले की है और इस वीडियो को देखने के बाद तो कुछ लोगों ने एंजॉय किया तो वहीं कुछ ने इसके लिए मुनव्वर को ट्रोल भी कर दिया। वेल, मुनव्वर फारूकी के इस जोक को कुछ लोग अडल्ट जोक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एक फैमिली शो के लिए शोभा नहीं देता। वैसे तो लॉकअप किसी भी एंगल से फैमिली शो नहीं था क्योंकि उसमें गाली गलौच भी पूरी तरह से देखने को मिली थी, लेकिन इस बीच पूनम पांडे जितनी हॉटनेस उस शो में उन्होंने दिखाई थी वो भी बिल्कुल भी फैमिली शो के लायक नहीं था। तो इसी के चलते मुनव्वर ने भी कर दिया पूनम से मजाक, लेकिन इस बात को फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग काफी हाइप बनाकर पेश कर रहे हैं और मुनव्वर फारूकी को यहां पर ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जिसका मजाक बना था पूनम पांडे, वो खुद इस जोक पर हंसती हुई नजर आ रही थी। कुछ लोग इन दो चीजों के वजन को अलग ही एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा ही जता रहे हैं, लेकिन मुनव्वर फारूकी आखिर किसकी कहां सुनते हैं, वो तो जो उन्हें कहना होता है कह ही देते हैं और इसी के चलते कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी बने रहते हैं और शायद इसी वजह से लॉकअप में भी गए थे और लॉकअप के विनर भी बने। लेकिन पूनम पांडे और मुनव्वर फारूकी की लॉकअप में बॉन्डिंग ऑन एंड ऑफ थी, मतलब कॉन्टिन्यूसली वो कभी ऑन हो जाया करती थी उनकी दोस्ती तो कभी ऑफ हो जाया करती थी, कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहे। लेकिन इस बीच दोनों के कुछ ऐसे पल भी हैं जो काफी ज्यादा पसंद किए जा रहे थे क्योंकि पूनम भी काफी मजाकिया है और मुनव्वर का तो हम सबको पता ही है, तो ऐसे में मुनव्वर फारूकी पूनम को अपनी बहन बताते थे। हालांकि पूनम अपनी हॉटनेस से कई बार मुनव्वर को टीज करती हुई भी नजर आती थी, लेकिन पूनम का पासा उन पर ही उल्टा पड़ जाता था क्योंकि मुनव्वर फारूकी का सेंस ऑफ ह्यूमर सभी को पता है, आखिरकार वो एक कॉमेडियन जो है। फिलहाल ये जोक वाला क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं ये वीडियो जिसमें हमने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। फिलहाल आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बात पर आपकी क्या राय है, आपको ये जोक कैसा लगा था। इसके साथ ही फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा।